दशकों से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर आए दिन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अभी तक इस मामले में बीजेपी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या आरएसएस ही बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब विवाद में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी कूदते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि अब राम मंदिर बीजेपी या आरएसएस नहीं बल्कि आरजेडी बनवाएगी। दरअसल आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव बिहार शरीफ में एक दंगल कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान तेज प्रताप सूबे में होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत का दावा ठोकते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन बीजेपी और उनके एजेंडे पर हमला बोलते बोलते वो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा घसीट लाए। लालू के बड़े बेटे ने कहा कि अगर अगली बार बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो देश में सभी धर्मों के साथ मिलकर बिहार में एक एक ईंट यूपी ले जाएंगे और वहां राम मंदिर बनाएंगे, तभी बिहार के साथ साथ पूरे देश से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खात्मा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तेज प्रताप ने कहा कि 2019 के चुनाव में आरजेडी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। वह इस कार्यक्रम के बाद तेज प्रताप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा कि हमने बिहार शरीफ दंगल कार्यक्रम में ये कहा है कि बीजेपी वाले राम मंदिर बनाने की बात करते हैं पर तारीख नहीं बताते। हम लोग मंदिर ऐसा बनाएंगे जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जाकर पूजा करेंगे, मानवता का मंदिर बनाएंगे, तब बीजेपी का मंदिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि तेज प्रताप अक्सर चर्चा में रहते हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी बांसुरी और शंख बजाकर। डीबी लाइव की रिपोर्ट।